नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जयवीर शेरगिल बीजेपी के नए प्रवक्ता होंगे और भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन अरविंदर सिंह, सुनील जाखड़ और स्वतंत्र देव सिंह को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है और मदन कौशिक, विष्णु देव साय, एस राणा, गुरमीत सिंह सोनी और मनोरंजन कालिया और इसके साथ ही अमनजीत कौर वालिया को राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रमुख मदन कौशिक, कांग्रेस के पूर्व नेता राणा गुरमीत सिंह सोडी और पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया को भी संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बता दें आपको कि कांग्रेस से कद्दावर भरी विदाई लेते हुए जयवीर शेरगिल ने गांधी परिवार को लेकर कहा था कि पार्टी के नियंत्रणकर्ताओं की दृष्टि अब तालमेल पर नहीं है, युवाओं की आकांक्षाओं से पूरे चाटुकारिता कांग्रेस को दीमक की तरह खा रही है और उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साल से ज़्यादा समय तक उनसे मिलने से इनकार करते रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने पार्टी के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं। शेरगिल को एक 29 वर्षीय वकील हैं और जो कि कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भाई रिजवान सोलंकी के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दोनों भाइयों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर किया है। उनके साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे हैं और बताते चले आपको कि इनके खिलाफ आज ही पुलिस कुर्की की कार्रवाई करने वाली थी और इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई शुरू करती उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ महिला के प्लाट पर कब्जा करने के आरोप लगा था और इस मामले में फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 8 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा एक महिला ने दर्ज कराया था जिसमें आरोप है कि विधायक उनके भाई और अन्य उसके प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से 7 नवंबर को प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई और उन लोगों के साथ मारपीट और जान से मार देने की धमकी भी दी गई और इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब विधायक और उनके भाई के घर 8 नवंबर की रात दबिश दी तो दोनों फरार हो गए और तब से दोनों भाइयों का कोई अता पता नहीं है और इस बीच विधायक और उनके भाई की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली गई थी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और चुनाव आयोग मतदान को सफलतापूर्वक कराने के लिए मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। आयोग एमसीडी चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और व्यवस्था को रोकने के लिए जहां सख्ती कर रहा है वहीं मतदाता सुचारू रूप से वोटिंग कर सके इसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था भी कर रहा है। इसी के तहत DMRC ने ये ऐलान किया है कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को होने वाली वोटिंग के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएँ सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से ही शुरू हो और ट्रेनें रविवार सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल तक चलेंगी और वहीं सुबह 6 बजे के बाद से ही पूरे दिन मेट्रो ट्रेनें सामान्य समय सारणी के अनुसार चलेंगी। दिल्ली NCR की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो में पहली बार प्रतिदिन सफर करने वाले यात्रियों की औसत संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है और इससे दिल्ली मेट्रो घाटे में उभरने में मदद मिलेगी और दिल्ली आबकारी विभाग ने दिल्ली में निकाय चुनाव को देखते हुए 2 दिसंबर को शाम 5:30 बजे से 4 दिसंबर 2022 को शाम 5:30 बजे तक और फिर से 7 दिसंबर 2022 को दिल्ली के पूरे NCD में मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया है और इन दिनों सभी शराब की दुकानें, बार, बिक्री के आउटलेट बंद हैं। JNU परिसर की कई इमारतों पर गुरुवार को जाति सूचक शब्द और नारे लिखने का मामला सामने आया है और इसके बाद इन इमारतों पर लिखे गए नारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि JNU के छात्रों ने दावा किया है कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज
11 भवन की दीवारों पर एक खास समुदाय के खिलाफ नारे लिखे गए हैं और साथ ही इमारतों की दीवारों की तोड़फोड़ भी की गई है। जेएनयू कुलपति ने दीवारों पर लिखे गए जाति सूचक शब्दों के मामले में संज्ञान लेते हुए स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रमुख और शिकायत समिति से मामले की अति शीघ्र जाँच कर रिपोर्ट मांगी है और कुलपति ने मामले को लेकर कहा है कि जेएनयू समानता की बात करता है और इस तरह की घटनाएं यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एबीवीपी की ओर से रोहित कुमार ने कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वामपंथी गुंडों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करने की निंदा करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अकादमिक जगहों का इस्तेमाल बहस और चर्चा के लिए होना चाहिए, न कि समाज और छात्रों के समुदाय में जहर घोलने के लिए। और विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने बताया है कि ये नारे बुधवार की रात को लिखे गए हैं, हालांकि ये नारे किसने लिखे उसका पता नहीं चल पाया है। G20 की मेजबानी भारत को मिलने पर स्मारकों में सुधार और अन्य विकास कार्यों के मद्देनजर जिलाधिकारी नवनीत चहल फतेहपुर सिकरी स्मारक पहुंचे। उन्होंने कई स्मारकों के गुंबदों पर लगी कई को स्काई को साफ करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जोधाबाई पैलेस में लगी ASI की बुक स्टॉल पर बिजली के होने पर नाराजगी जताई है और जिलाधिकारी ने कहा है कि इस स्टॉल पर विभाग की ओर से प्रकाशित आगरा के स्मारकों की पुस्तकों का ज्यादा प्रदर्शन किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि G20 के तहत कई देशों से आने वाले कई भाषाई लोगों को उनकी भाषा में स्मारकों की जानकारी देने के लिए व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बुलंद दरवाजा परिसर में ही ASI की रसायन शाखा द्वारा बुर्जों के कराए जा रहे ट्रीटमेंट को भी देखा है और नीचे फैली गंदगी को देखकर उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक पूरी तरह से बैन की जाए। नगर पालिका से मिलकर सफाई कराने के निर्देश दिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखकर स्मारक परिसर के 100 मीटर में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासनिक और ASI आपस में समन्वय स्थापित करें। देखिए, डिस्ट्रिक्ट आगरा में फतेहपुर सीकरी एक इम्पॉर्टेंट ASI का संरक्षित मॉन्यूमेंट है और G20 की चेयर अब इंडिया के पास आ गई है। इसके बाद आज से लेकर अगले 7 दिन तक आगरा जनपद के 3 जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है उनको 7 दिन तक लाइट किया जा रहा है, जिसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट और सिकंदरा जो मॉन्यूमेंट है वो इंक्लूडेड है। इस अवसर पर क्योंकि अगले 1 साल इंडिया के पास ये चेयर रहेगी तो इस दौरान विभिन्न G20 कंट्रीज के सीनियर डेलीगेट्स, मिनिस्ट्रियल लेवल गेस्ट्स हैं, उनके आने की उम्मीद है। आगरा कॉलेज में एक अनूठी घड़ी है और ये टिक टिक तो नहीं करती पर 180 साल से सटीक समय बता रही है। ये मशीन नहीं बल्कि पत्थर से बनी हुई कोणार्क मंदिर के चक्र की तरह धूप से समय दिखाती है। जाहिर है कि नाम भी धूप घड़ी है और आगरा कॉलेज अगले साल 200 साल पूरे होने पर भव्य समारोह की तैयारी में जुटा हुआ है और बताया गया है कि कार्यक्रम में धूप घड़ी के संबंध में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्राचार्य अनुराग शुक्ल से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि कॉलेज के पार्क में धूप घड़ी लगी है और इसी के कारण पार्क का नाम दो घड़ी और ध्यान रखा गया है। इसमें धूप की दिशा से समय आसानी से देखा जा सकता है, इसका समय साथ ही घड़ी का समय समान होता है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है पूर्व में समय का पता करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था और इसका विचार कोणार्क मंदिर में बने चक्र से आया और इस दौरान इसी के स्कूल खुलने और बंद होने के समेत अन्य कार्य करने का समय तय होता है। बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही विभागों के सम्मुख का जो उद्यान है उसे धूप घड़ी उद्यान के रूप में जाना जाता है और उसका यह नाम इसलिए पड़ा कि वहां पर आज से 180 वर्ष पूर्व लगभग एक धूप घड़ी लगाई गई जो प्राचीनतम जो पद्धति है समय के आकलन की उसके अनुसार वह समय बताती है। यह भी आपको आपकी संज्ञान में हम ला दें कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्रों के ही तर्ज पर इस घड़ी का भी यहां पर स्थापना की गई है।
मथुरा में कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बताते चले कि मथुरा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। बता दें कि बदमाशों ने बांके बिहारी ढाबा पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और मथुरा में अपराधियों की सक्रियता से दहशत फैली हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों ने होटल में खाना खाने के बहाने होटल कर्मचारी से मारपीट की है। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के कटघरा गांव में 150 साल पुराने धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया गया और आज मेले का पहला दिन था। आपको बता दें कि ये मेला 5 दिनों का होता है। बताते चले कि इस मेले में आए दूर दराज से 10 दिनों पहले से दुकानदार डेरा जमाए बैठे हैं, परंतु खरीदार नरादर नजर आ रहे हैं। कारण है कि अब गाँव भी बाजारों का रूप ले लिया है और सामान जो है वहाँ पर हर बाजार में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन आज भी मेले का आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और जब मेले में आते हैं तो बस खेल खिलौने के अलावा ज़रूरत की चीज़ें कम ही बिकती हुई नज़र आती है। यहाँ तक कि भीड़ भी आधी रह गई है। यहाँ पर आज भी घरेलू चक्की और दाल करने की पत्थर से बने चाकी और जनता और इसके साथ ही सील उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन आज भी दौर में इसकी डिमांड कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि बिक्री भी कम होगी। ऐसे ही दुकानदारों से जो 50 सालों से यहाँ पर आते हैं लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती में 23वें जनपदीय माध्यमिक विद्यालय खेलकूद समारोह का जोरदार आगाज हो गया है और यहां जिले के 9 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। ये प्रतियोगिता समारोह भिंगा मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक स्कूल बलदेव प्रसाद नागरिक इंटर कॉलेज अमवा में किया जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रतिभाग कर रहे माध्यमिक स्कूलों के बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला है और इन खेलों में जीतने वालों को मेडल देकर पुरस्कृत भी किया गया है और इस संबंध में प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे स्कूल के प्रबंधक और मुख्य अतिथि राधे श्याम पांडे ने बताया है कि खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है। बच्चे भी अच्छे से प्रतिभाग कर रहे हैं और बच्चों के खाने पीने और बैठने का अच्छा इंतजाम किया गया है। जनपद की रैली अमवा इंटर कॉलेज में है, बच्चों के साथ सारे जनपद के बच्चे आए हैं। 9 जो इंटरमीडिएट क्रांति नेट में उनके बच्चे सब आए हैं, उनको यहाँ 6 बजे समय से पहुँच गए हैं। भोजन नाश्ता सारी व्यवस्था, खेल कूद बढ़िया चल रहा है, उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। अब बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और जो कमी है हम देंगे। श्रावस्ती में एक व्यक्ति का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। हमीरपुर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने घर की दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर लाखों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लगातार हो रही चोरियों की घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। मामला आपको बता दें कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गाँव का बताया जा रहा है। श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्कूल शिक्षा महानिदेशक बालिका शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट कोर एक्टिविटी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा भेजे गए नुक्कड़ नाटक दल SP चौहान एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत नई उजली सुबह से एक नई दुनिया सजाएंगे और निपुण भारत बनाएंगे, भारत का मंचन जो है वो किया गया और इसका जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम में निपुण क्या है के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया है और साथ ही ऑपरेशन कार्यकल्प दिशा ऐप बालिका शिक्षा DBT योजना स्मार्ट क्लासेस और समर्थक शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक नाटक के मंचन करके और जन सामान्य को जागरूक किया गया है।
फिरोजाबाद पुलिस ने 22 नवंबर को हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया है। मृतक व्यक्ति के एक महिला से अवैध संबंध चल रहे थे और महिला के पति ने अपने साले और साली के साथ मिलकर गला रेतकर हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गए थे। बता दें आपको कि जिसमें पुलिस ने जांच करते हुए मदद से ही महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों फरार हत्या आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बताते चले कि फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के सुभाष नगर में पुलिस को 22 नवंबर को सुनील नामक व्यक्ति का जो शव है वो मिला था और जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज किया था और जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक सुनील के सपना नामक महिला से अवैध संबंध चल रहे थे और महिला के पति यशपाल को जब इसकी जानकारी हुई तो गुस्साए पति यशपाल ने अपने साले हजारी और एक साली दया के साथ मिलकर सुनील की गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे। और पुलिस ने इसको लेकर सर्विलांस टीम की मदद से महिला के पति यशपाल को गिरफ्तार कर लिया है और जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध चाकू और एक मोबाइल बरामद किया है। एसपी ग्रामीण विजय सिंह ने बताया है कि मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। वहीं दो हत्या आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। 22 तारीख को शिकोहाबाद कस्बे के सुभाष नगर मोहल्ले में एक डेड बॉडी का पता चला था। मौके पर पुलिस गई, वहाँ देखा गया कि एक व्यक्ति की गला काट करके हत्या कर दी गई है और उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद शव को पीएम वगैरह के लिए भेजा। वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई, हमारी टीमें लगी इस घटना के खुलासे के लिए। टेक्निकल सपोर्ट टीम हमारी काम करना शुरू की। फाइनली हम लोग को ये पता चला कि अवैध संबंधों के चलते ये हत्या हुई है, जिसमें जो मृतक था उसका एक सपना नामक महिला के साथ अवैध संबंध थे। उससे उसका पति सुनील, उसका पति यशपाल नाराज था जो एटा का रहने वाला है। अमेठी में बुखार का इलाज कराने गए युवक का गलत इंजेक्शन से पूरा हाथ खराब हो गया है। आपको बताते चले कि आरोप है कि जामो में भादर रोड पर मौजूद डॉक्टर राजा राम सोनी के गलत इलाज से बुजुर्ग का हाथ खराब हो गया है। सोचने वाली बात यह है कि क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर के पास ना तो डिग्री है और ना ही किसी क्लिनिक का लाइसेंस। मामले को लेकर बुजुर्ग ने थाने और सीएमओ को लिखित तहरीर दे दी है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली में हरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है। वन माफिया पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के नारे को ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंचे वन विभाग निरीक्षक ने अवैध कटान रुकवा दिया और साथ ही वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया है। सो ये जलाली में किस तरीके की सूचना पर आए थे बाघ कटे जा रहे हैं? सूचना प्राप्त होने के बाद में मौके पर पहुंचे और जो कार्रवाई होती है कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। कितने पेड़ कटे हुए मिले यहाँ पर? 6। किसका बाग है सर ये? किस तरीके के पेड़ काटे जा रहे हैं? हरे थे या सूखे पेड़? सूखे पेड़ कटे हैं, ये हमें पता नहीं है बाग किसका है। यहाँ पर हरे पेड़ भी काटे जा रहे हैं? हरा पेड़ एक कटा है। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? कितना जुर्माना रखा जाएगा? जुर्माना आएगा फैक्टर के हिसाब से देखा जाएगा कि जितना बनेगा उतना जुर्माना किया जाएगा। एक पेड़ पर सर कितना जुर्माना लगता है? देखिए ये नाप उसके ऊपर है, डायमीटर के क्लास के हिसाब से जो इस पर जो जुर्माना किया जाता है। ट्रैक्टर में सर लकड़ियाँ भी भरी हुई हैं, ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं? ट्रैक्टर सील किया जा रहा है? ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, सीज करना हमारी वो नहीं है, रेंजर्स कार्य करते हैं। ठीक सर। ठीक है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, पेड़ बचाओ के नारे लगाए जाते हैं और यहाँ पर तो पेड़ बचाओ को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अवैध कटान होते होते जंगल बिल्कुल साफ होता जा रहा है, उसी तरीके का एक मामला अलीगढ़ के थाना अद्वैन क्षेत्र के कस्बा जलाली में देखने को मिला है। वहां पर जो है हरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा था जिसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी के द्वारा टीम गठित कर वन विभाग की टीम को भेजा गया। मौके पर वन विभाग निरीक्षक के द्वारा जो अवैध कटान हो रहा था उसको रुकवा करके जो खेत का मालिक है उसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की गई और जुर्माना भी लगाया गया है। आकाश, कितने तक का जुर्माना लगाया गया है और ये पेड़ों की कटाई जो है कब से की जा रही है?
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वन माफिया जो है अपने कार्यों में दुरुस्त है, जिसके कारण जो है आए दिन अवैध कटान होता रहता है। जो जो कार्रवाई वन विभाग द्वारा की गई है उसमें जो अवैध कटान हो रहे थे, जिसमें मौके पर 6 पेड़ निरीक्षक द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। जो ट्रैक्टर था उसको भी जो है वन विभाग ले आया गया, उस पर कार्रवाई की गई है। और जुर्माने की जो राशि है अभी तक ओपन नहीं हुई है, कितना जुर्माना उस पर लगाया है और क्या उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाश, ये पेड़ों की जो कटाई है वो और भी इलाकों में हो रही है कि इसी इलाके में पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जो जगह जगह पर पेड़ों का अवैध कटान होता रहता है, जो भी मामला प्रकाश में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो भी सूचना प्राप्त होती है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। हालांकि वन विभाग की टीम काफी बार देखने को मिला है कि उनके द्वारा लापरवाही बरतने के कारण ही ये वन माफिया अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। अगर वो पूरी तरह से सक्रिय रहे तो कोई भी वन माफिया जो है पेड़ों के अवैध कटान को नहीं करेगा। आकाश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वे वन माफिया हैं, क्या ये ग्रामीण के ही लोग बताए जा रहे हैं जो ये पेड़ की कटाई कर रहे हैं? बिल्कुल, ये क्षेत्रीय लोग हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये इनका जो आम का बाग था उसको काट करके जो है उसमें खेती करना चाह रहे थे, और इसके कारण बिना किसी सूचना के उन्होंने जो है अवैध कटान शुरू कर दिया था, जिसके कारण वन विभाग की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आकाश, कितने लोग इसमें मौजूद रहे होंगे जो पेड़ की कटाई कर रहे थे, और इसके बाद ये जो पेड़ की कटाई है वो कहाँ पर ये माल जो है वो पहुँचाया जाता है? बिल्कुल, ये जो है अवैध कटान करके जो है मौके पर वहाँ पर काफी भारी 1 दर्जन लोग जो है पेड़ों को काटने में लगे हुए थे, और जो पेड़ों की कटाई होती है वो जो है ये आरा मशीन पर भेजते हैं, उनके द्वारा जो है इसमें फर्नीचर वगैरह जो बनाया जाता है। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, अलीगढ़ से खबर है जहां पर हरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है और काफी ज्यादा जो यहां पर पेड़ है वो काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरे भरे पेड़ हैं जिनका कटान किया जा रहा है, और फिलहाल वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और इनके खिलाफ सख्त आदेश भी दिया है। बता दें कि हरे भरे पेड़ों का कटान हो रहा है, अलीगढ़ से खबर है जहां पर पेड़ों का कटान हो रहा है, जिसके कारण अब बताया जा रहा है कि इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चलिए कि अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली में हरे पेड़ों का कटान हो रहा है। वन माफिया पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के नारे को ठेंगा दिखाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और ये वन माफिया कोई और नहीं ग्रामीण ही बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंचे वन विभाग निरीक्षक ने अवैध कटान रुकवा दिया, और साथ ही वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे कौन सी बड़ी कार्रवाई वन माफियाओं के ऊपर की जाती है। फरुखाबाद पहुंचे एडीजी जोन भानु भास्कर, एडीजी के थाने का औचक निरीक्षण किया है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारियों को परखा, क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति को लेकर भी जानकारी ली है। एडीजी ने थाने में बैरिंग कार्यालय के अलावा थाना परिसर को भी देखा, और जब वो मैच देखने पहुंचे तो पता चला कि खाना जो है नहीं बना है, और इस पर थाना अध्यक्ष को उन्होंने बताया कि मेष सही नहीं है और इसके लिए ही मैच को सही करार बताया जा रहा है। मैं सही कार्रवाई हो रही है और इसलिए यहां खाना नहीं बनाया गया है। वैसे ही बराबर खाना बनाया जाता है। एडीजी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को अच्छा भोजन दिया जाए, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचे को देखा, थाने की जमीन पर कब्जा को देखकर कहा कि इसकी नाव करवाए और यदि कब्जा हो तो इसे खाली कराए। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की, क्षेत्र में कितने सत्र लाइसेंस धारक है और अब तक कितने लोगों पर चुनाव को देखते हुए कार्रवाई हुई है, क्षेत्र में कितने संवेदनशील और कितने असंवेदनशील बूथ हैं, इसको लेकर भी उन्होंने थाना अध्यक्ष से जानकारी ली है। बताते चले कि आपको कि एडीजी के कहा है कि निकाय चुनाव से पहले पूरी व्यवस्था कर ली जाए, और इसके बाद उन्होंने थाने के उप निरीक्षकों से विवेचना को लेकर जानकारी की कि कितने विवेचना थाने में लंबित हैं। इसके जानकारी करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी लंबित विवेचना है उनका समय से निस्तारण किया जाए, इससे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई समस्या हो तो तुरंत बड़े अधिकारियों को जानकारी दे और जिससे समय से उसका समाधान हो सके। उन्होंने थाना अध्यक्ष ने कहा है कि थाने पर जो भी व्यक्ति आए उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए, छोटे झगड़ों को गंभीरता से लिया जाए, इसमें लापरवाही ना हो। निरीक्षक के दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मिला के अलावा पर्यवेक्षण अजय प्रताप सिंह, सीओ सिटी प्रदीप सिंह मौजूद रहे हैं।
आना हुआ सर बताएं सर। फर्रुखाबाद जो है वो कानपुर जोन में कहीं है और एक है पुलिस में परंपरा है कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपने अंदर जुरिडिक्शन में जितने ज़िले हैं उसका बीच में भ्रमण करते रहें और साथ में वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं उसको भी रिव्यू करते रहें और जिसकी जो ज़रूरत हो उसको पूरी भरसक कोशिश करें कि पूरी कर सकें। सर फर्रुखाबाद में जो है कि एक तो सर्दी का मौसम बढ़ गया, सर्दी के मौसम में जो चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं आए दिन जो है उस पर लगाम नहीं लग पा रही, क्या मामला? जितने भी अपराध के विषय हैं उसको रिव्यू किया जा रहा है और रिव्यू करने के बाद भी पिछले वर्षों का अपराध का भी देखा जा रहा है किस स्थान पे कौन सा अपराध हुआ था ताकि वहाँ पर व्यवस्थाएं और मजबूत कर सके ताकि इस वर्ष वो घटनाएं ना होने पाए। निकाय हैदराबाद से आपको खबर बता रहे थे जहां पर एडीजी जोन भानु भास्कर एडीजी के थाने का औचक निरीक्षण किया है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारियों को परखा और क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति को लेकर भी जानकारी ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।